हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ फटाफट से। यस, गुड इवनिंग बेटा, फटाफट से रिप्लाई करो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? और क्या हम शुरू कर सकते हैं अपनी क्लास को आगे? और कल कहां तक हुआ था? कल हमारा हुआ था आई थिंक कंडीशन में। कहां तक हुआ था बेटा? कंडीशन वारंटी में। हेलो अनमोल बेटा, फटाफट से रिप्लाई करो गाइस कि आपके पास में कंडीशन वारंटी वाला पार्ट कहां तक हो गया था। अनमोल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी बताओ, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। और आज पढ़ेंगे उस पार्ट से आगे। आई थिंक सो हम लोगों ने आई थिंक कंडीशन वारंटी पूरा कर लिया था ना। हाँ, आज की अदालत शुरू की जाए। कौशल, वेरी गुड, नाइस। तो कौशल बता बेटा, आज की अदालत में कहां तक हुआ था हमारा, कल वाली अदालत तक? अरिति, गुड इवनिंग बेटा। अरिति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अंकित। ओके ठीक है, समझ में। कौशल, कौशल ने रिप्लाई कर दिया है। तो चलो भैया, रिप्लाई मिल चुका है और लिखते हैं अपने पार्ट को आगे। तो आज होगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज आज हम शुरू करने जा रहे हैं गाइस इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी वाला पार्ट, जो कि हमारी ए प्लस कैटेगरी का पार्ट बनता है। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चालू करते हैं। संतोष सर, फैन क्लब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम, थैंक यू। मंगल पांडे, गुड इवनिंग। संतुष्टि, गुड इवनिंग। हाँ, आप मुझे प्राइज दो, मैंने टॉपिक बता दिया। कौशल, तेरे को प्राइज पक्का मिलेगा बेटा, दिलाएंगे तेरे को प्राइज। हाँ, भटकती हुई आत्मा ढूंढ रही है तेरे को। चलो हेडिंग बनाओ, लिखो बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द केसेस ऑफ, हेडिंग बनाओ, द केसेस ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है ना कि भैया कंडीशन वारंटी के पार्ट में डिफरेंस क्या होता है? ये बात तो मीनिंग क्लियर हो गया था ना कल ले लद्दाख वाली बाइक से। क्या बाइक वाले एग्जाम्पल से क्लैरिटी मिल गई कि व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी, या उसमें भी कोई संदेह है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना गाइस, इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आता है, केस लो क्वेश्चन आता है। नो 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 नो, कोई डाउट नहीं है। सिद्धार्थ, थैंक यू। यस, और कोई? गुड इवनिंग। यस, कोई बात नहीं, स्टार्ट से कोई लेट नहीं, कंटिन्यू कर सकता है यहीं से। अभी चालू किया मैंने क्लास बेटा, ठीक है। हाँ जी अंकित, यस बेटा, हाँ स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी के बारे में कल क्या जाना था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल ही हम लोगों ने लिखा था कि सर इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी का मतलब है विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी सामान के ऊपर लिखा हुआ नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको होता ना वार्निंग लिखी मिलती है, कंडीशन लिखी मिलती है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी। लेकिन जब आपके पास में कोई चीज लिखी हुई ना हो, वो अंडरस्टूड पार्ट में है, तो उसे बोलते हैं इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। तो आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं और मुझे आप लोगों से रिप्लाई चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, लिखना चालू करते हैं इंप्लाइड कंडीशन के केसेस। यही केस बनते हैं इसके प्रोविजन। तो फर्स्ट पे आते हैं, लिखो। द फर्स्ट कंडीशन इज सेल बाय सैंपल, पहले नोट कर लो, फिर वन बाय वन सबको समझ लेंगे। वन इज कॉल्ड सेल बाय सैंपल। बी लिखो, लिखते रहो फटाफट से, सेल बाय सैंपल। दूसरा एंड डिस्क्रिप्शन, सॉरी पहले लिखते हैं सेल बाय सैंपल, तो लिख लिया सेल बाय सैंपल। दूसरा लिखो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। वन बाय वन पूरे पार्ट को पढ़ाऊंगा। सी लिखो, थर्ड लिखो, ये सारे प्रोविजन लिखवा रहा हूं मेन हेडिंग होंगी। तो लिखो सेल बाय, अगेन दूसरा सैंपल। सर इनमें फर्क दोबारा क्या आ गया? इसमें है सैंपल डिस्क्रिप्शन, नीचे लिखो सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। मैं इन सब पे दूंगा आपको एग्जाम्पल, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। फोर्थ लिखो, नोट करो, जो फोर्थ पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है, लिखो कंडीशन एज टू, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये सारे प्रोविजन पहले लिख देता हूं, समझाऊंगा फिर पार्ट को। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, और फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट पे आओ, डी के बाद ई लिखो, लिखो कंडीशन एज टू, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ द गुड्स। टाइटल का मीनिंग पता है नहीं पता? पता है सर, पता है। बताओ तो क्या मीनिंग होता है, लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट गाइस? वेरी गुड कौशल, बहुत बढ़िया, लगा रहा थे दुश्मन कहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, सेल कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे लिखता हूं, नेक्स्ट लिखता हूं, सिक्स लिख लिया, सेवंथ लिखते हैं। लिखो अभी, सेवंथ इज, जितने भी सब लिखवा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं पढ़ने की, सब यही करा दूंगा। नेक्स्ट लिखो कंडीशन एज टू, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ये सारे के सारे बेटे केसेस हैं इंप्लाइड कंडीशन के, मर्चेंटेबिलिटी। नेक्स्ट लिखो एट,
कंडीशन एज टू होलसमनेस. क्या बोला क्या बोला? कंडीशन एज टू होलसमनेस. होलसमनेस का मतलब होता है बेटा डिफेक्ट फ्री, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, विच मीन्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. तो हमने इनके हेडिंग वाले पोर्शन लिख लिए, अब मैं इसे समझाने जा रहा हूं. तो क्या हम अपने पास आराध्या, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड स्टडी. अरिया ओनरशिप को कहते हैं. कौशल नो बेटा, टाइटल मीन्स ओनली दी ओनरशिप, नॉट दी पोजिशन. कंट्रोल को कहते हैं पोजिशन बेटा, है ना. चलो तो आइए गाइस, लिख लिया है, अब इसको वन बाय वन पूरे पार्ट को स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और मुझे इसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, मैं चाहूंगा हर बच्चा इसके ऊपर पूरी तरह एक्टिव होकर रिप्लाई करे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी टॉपिक में आता है. नंबर वन पे बात करते हैं. तो सबसे पहला रिप्लाई मुझे ये चाहिए कि अगर कंडीशन ब्रीच होती है, कल पढ़ाया था, अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो क्या मिलता है अग्रीड पार्टी को, क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा उसको अगर कंडीशन ब्रीच हुई, चाहे वो कंडीशन एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो. अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो अग्रीड पार्टी को कौन से राइट मिलते हैं, क्योंकि तो वही राइट इन सारे केस में मिलने वाले हैं. तो बताओ कौन कौन से राइट्स हैं जो अग्रीड पार्टी को मिलेंगे अगर कंडीशन टूटी, बताओ. बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल. रिया, आराध्या, कौशल, यश, दिविशा, रिप्लाई करो. रोशनी बोल. सिद्धार्थ, यस बेटा, वेरी वेरी गुड. कौशल बहुत बढ़िया. यश बहुत अच्छे, एग्जैक्टली. दो राइट मिलते हैं, कौन कौन से? पहला राइट था, याद करो कौन सा था, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. याद आया भाई, कंडीशन की बात कर रहे हो, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. एंड द वर्ड रेपुडिएट मीन्स राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स द बायर कैन रिटर्न द गुड्स एंड कैन गेट बैक द मनी. बायर पैसा सामान वापस दे सकता है और अपना पैसा वापस ले सकता है, उसे बोलते हैं राइट टू रेपुडिएट. एंड और क्या मिलेगा? एंड बायर कैन क्लेम फॉर डैमेजेस. अगर उसे कोई नुकसान भी हुआ तो वो मॉनेटरी कंपनसेशन, डैमेज मतलब क्या पड़ा था, मॉनेटरी कंपनसेशन भी ले पाएगा. तो लीजिए गाइस, ये तो हो गया भैया कंडीशन के ब्रीच होने में क्या मिलता है, जो हमने कल ही पढ़ लिया था. अब आता है पॉइंट के ऊपर. नंबर वन, वन बाय वन एग्जाम्पल देता रहूंगा, हर एक पार्ट को याद करने का बेस्ट तरीका होता है एग्जाम्पल से समझो उस पार्ट को. तो पहले पे आता हूं, रिप्लाई करना. सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल. अगर सेलर ने, ये रियल बातें पढ़ रहे हो, रियल में समझना इस पार्ट को. अगर सेलर ने कोई सामान बेचा, वो भी सैंपल दिखा के. आज अगर मान लो, थिंक लाइक यू आर ए बायर, और बींग ए बायर आपको सैंपल दिखाया गया कि सामान का, तो जवाब दो क्या बाकी सामान भी वैसा होना चाहिए, एज पर दी सैंपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? टेल मी, जवाब दो. वेरी वेरी गुड रिया, यस अदिति, बहुत बढ़िया. तो अगर मान लीजिए, यस यस यस, सबने रिप्लाई दे दिया, वेरी वेरी गुड. तो इसका सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात भाई. और बताओ अगर सेम नहीं हुआ तो क्या कहोगे कि क्या ब्रीच हुई? देखो लिखने के लिए भी लाइंस कहां से मिलती है, लो मैं दिखाता हूं. आप क्या बोलोगे अगर सैंपल के अकॉर्डिंग सामान नहीं दिया गया? तो भैया सिंपल सी बात, क्या बोलोगे? अगर जो सामान था दैट विल नॉट बी एज पर सैंपल, तो कहा जाएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन. बट ब्रीच में कौन सा लिखोगे? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन. सैंपल वाला केस अंडरस्टूड आया ना, को प्रिजम्पशन आ गया ना कि भैया सैंपल जैसा सामान अगर बाकी नहीं मिला तो क्या करोगे? आपके पास राइट है, राइट टू रेपुडिएट, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस. तो क्या बोला? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन. तो लो भैया खुद बोल रहा है, देखो सैंपल वाले आंसर में लिखोगे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन, ब्रीच में क्या मिलेगा? राइट टू रेपुडिएट, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस. गिनती के देखो, 5 to 6 लाइंस तो आपको यहीं से मिल जाती है. फर्स्ट मीनिंग, दूसरा ब्रीच, तीसरा आपके पास ये हो, और फोर्थ वो वाला. क्लियर हुआ? सर अगर सेम नहीं हुआ तो वही बात हो गई, शादी के लिए लड़की की फोटो और दिखाई दे जाती. हाँ कौशल, वही हुआ बेटे, वही हुआ, एग्जैक्टली. तो बात सुनो, अब इस पर एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है? हालांकि आपको आइडिया मिल गया होगा इसके ऊपर, फिर भी एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल के लिए, सेल ऑफ टोबैको, सेल ऑफ टोबैको दुनिया भर के अंदर, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड टोबैको की जो सेल होती है गाइस, एग्जाम्पल दिया लोगों ने, टोबैको की सेल दुनिया वर्ल्ड वाइड बेसिस के ऊपर, सैंपल बेस के ऊपर होती है. तो क्या ऐसे करते हो भैया कि लाओ पूरा सैंपल पहले ट्राई कर लेते हैं? नहीं ना, आपको सैंपल दिखाया जाएगा तो बताइए क्या बाकी गुड्स भी, जो बाकी सामान है वो भी वैसा होना चाहिए? होना चाहिए.
और अगर नहीं हुआ तो क्या बोलोगे? आप कहोगे ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। लाइन क्या लिखोगे? लाइन होगी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। आपको याद रखना एग्जाम में ना स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं, सुन लो स्पेसिफिक की भैया सैंपल वाला अगर ब्रीच हुआ तो सैंपल वाला लिख के आओगे, डिस्क्रिप्शन वाला हुआ डिस्क्रिप्शन वाला लिख के आओगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो फर्स्ट क्लियर है? हाँ रोशनी कह रही है एक्सपीरियंस है। हाँ बेटा एक्सपीरियंस तगड़े वाला उसको। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब आता हूं नंबर टू के ऊपर, दूसरी का रिप्लाई करना मुझे। चलो वर्ड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। पता है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा 5 मार्क्स के अंदर, इस वाले प्रोविजन पे 5 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के ऊपर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आया था, केस स्टडी क्वेश्चन आया था। वो केस स्टडी क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन, सुनना, एक पर्सन अपने घर के फर्नीचर बनाने के लिए, अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की जो लकड़ी होती है, वुड होती है, मैंगो वुड, टीक वुड, वो लकड़ी लेने पहुंचा। तो उसके जो कारपेंटर ने कहा था कि भैया हमें स्पेसिफिक यही वाली लकड़ी चाहिए, ठीक है, अपनी घर की अलमीरा को बनाने, विंडो बनाने के लिए। वो गया और वहां जाके सर को बोला कि भैया मुझे घर के फर्नीचर बनाने, घर की विंडो बनाने के लिए ये मैंगो वुड ही चाहिए, ये मैंगो वुड ही रिक्वायरमेंट है, आम के पेड़ की लकड़ी चाहिए, इन शॉर्ट। तो वहां जब गया तो बताओ मुझे कि बायर ने उस सेलर को डिस्क्रिप्शन दिया नहीं दिया? डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सामने वाले पर्सन को बता देना कि भैया मुझे सामान ऐसा चाहिए। खुद अजूम करो, अगर बींग ए बायर जब आप किसी सेलर को बोल देते हो कि भैया मुझे सामान की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे सामान ऐसा चाहिए, गुड्स ऐसी रिक्वायर्ड है, तो जवाब दो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आपने, बायर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया। और बताओ जब बायर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया तो सेलर को वही सामान देना होगा या नहीं? यस और नो जवाब दो। और नहीं दिया तो उसे तुम क्या कहोगे? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन कहोगे या नहीं कहोगे? यस, थैंक यू, मेरे छुपे हुए टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अरे कौशल तेरे को दुनिया जानती है ना, लायक लालटेन लेकर ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा तू। यस एग्जैक्टली, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था और पूछा गया था वहां पे कि बताइए क्या वो बायर, वो हुआ क्या था, आगे सुनना। उसमें कहानी में आगे स्टेटमेंट ये थी, क्वेश्चन में ये आया था एग्जाम के अंदर कि वहां पर सेलर ने गलती से मैंगो वुड के प्लेस पर कोई और लकड़ी भेज दी, ठीक है। बाद में जब पता चला कि भाई कारपेंटर ने बोला ये तो लकड़ी दूसरी वाली लेके आया, आप मैंगो वुड तो लेके नहीं आए, तो बताओ क्वेश्चन पूछा गया था क्या वो बायर वो सारा सामान जो सारी वुड लकड़ी आई थी क्या वो उस वुड को वापस कर सकता है? क्वेश्चन नंबर वन। दूसरा, जो उसका खर्चा लगा लाने जाने का क्या वो डैमेज भी क्लेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बताओ। तो तुम्हारा रिप्लाई क्या होता उसके अंदर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिविशा, रिया एग्जैक्टली, कौशल यस यस यस, बहुत बढ़िया दीति, सिद्धार्थ एग्जैक्टली, समझ में आया क्या बोला? तो याद रखना गाइज, ये एक्चुअल में भी होता है। अगर बींग ए बायर मैं किसी सेलर को डिस्क्रिप्शन दे के आ रहा हूं कि भाई मुझे ये शर्ट ऐसी चाहिए, मुझे ये एग्जांपल, मुझे ब्लेजर ऐसी चाहिए, कुछ भी आइटम की बात कर रहे हो, तो लोग कहता है भैया अंडरस्टूड है। अगर बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो उस केस में सेलर बाउंड है सेम सामान देने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात का रिप्लाई करो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन तो आपने बोल दिया, बट जवाब दो क्या सेलर बायर को बाउंड कर सकता है कि अगर सामान डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो कि भैया लेना ही पड़ेगा, अब तो दे दिया लेना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? वेरी गुड रोशनी, आराध्या, बहुत बढ़िया प्रताप, हाँ सर लेगा। अब बताओ क्या सेलर बाउंड कर पाएगा? आंसर इज नो 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 नो। तो वही मीनिंग बनता है बेटा सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगेन द वर्ड इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन, में क्या लिखता हूं सर? लिखो, एक लाइन लिखो इसमें, द सेलर सेलर कैन नॉट बाइंड, सेलर कैन नॉट बाइंड द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स विच आर नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखना बेटा, विच आर नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन। याद रखना, लो ने क्लैरिफाई कर दिया कि सेलर बायर को कभी बाउंड नहीं कर पाएगा वो सामान लेने के लिए जो उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं था। और डिस्क्रिप्शन में और जान लो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप की पैकिंग हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड हो सकती है, कोई ब्रांडिंग है। भाई मुझे तो नाइकी के शूज चाहिए थे, तो नाइकी के ही चाहिए भैया, नाइकी का ओरिजिनल शूज का मतलब नाइकी का शू, खाली टिक लगा हुआ नहीं चाहिए कि अच्छा नाइकी का टिक लगा दिया उन्होंने, कॉपी दे दी मेरे को। या एप्पल का फोन चाहिए तो एप्पल का फोन ये नहीं मांग रहे कॉपी दे दो मुझे, रिमेंबर कि एप्पल का लोगो लगा मिल जाएगा।
तो याद रखना, अगर कोई बंदा आपको प्रॉपर ब्रांडिंग, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो ब्रांडिंग है, कोई पैकिंग है, कोई डिजाइनिंग है, कोई स्पेसिफिक कलर है, अगर आपने मेंशन किया है और अगले पर्सन ने आपको अग्री किया था, ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है। जब आप लोग ऑनलाइन साइट्स वगैरह से सामान मंगवाते हो तो वहां पर काफी बार देखने को मिलता है, हमको क्या मिलता है कि आपने सामान जो मंगवाया था वो वैसा डिस्क्राइब तो दिखाया कुछ और था, दे दिया कुछ और। तो याद रखना, वहां पर आपके पास एक राइट होता है, दैट विल बी टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। याद रखना, लोग यूज कर, जिनको पता होता है और यूज भी करते हैं इस चीज को, केस डाल देते हैं कंपनीज के ऊपर, ठीक है, कि भैया सामान खराब आया, नुकसान हुआ, पैसा दो मेरे को। और ध्यान रखना, ऐसे केस में अगर आपने केस फाइल किया तो बेटा कोर्ट तो आपका ही फेवर लेगा, ध्यान रखना, बायर का इन केसेस के अंदर। वेरी गुड बेटा, ट्रेडमार्क वाला पार्ट बीसी का पार्ट है, समझ में आ गया। तो ये बन गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन, बोलो क्लियर हो गया। तो पहला और दूसरा क्लियर है बेटा, 1 2 1 2 1 2 क्लियर हो गया। थर्ड पे आता हूं, थर्ड इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सर इसमें क्या फर्क आ गया, ऊपर दोनों लिख तो लिए, दोनों अलग है, थर्ड इज डिफरेंट गाइज। तुम्हें दिख रहा होगा सैंपल भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, सेम होगा, नो इट इज नॉट सेम। समझना, एग्जांपल देता हूं मैं, ये वाला प्रोविजन कब आंसर में लिख के आओगे, ये तब आएगा जब कोई सामान ऐसा है कि जिसको आपने डिस्क्राइब भी किया, जिसका सैंपल भी दिखाया गया, डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिखाया गया, लेकिन उस सामान में मिलावट हो सकती थी। एग्जाम्पल के लिए आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल चाहिए था, मैं एग्जांपल के लिए मान लो आपको ऑलिव ऑयल चाहिए था, ऑलिव ऑयल होता है ना, ऑयल होता है, तो आपने, आपको सैंपल दिखाया गया ऑलिव ऑयल का, सुनना क्या एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना फिर रिप्लाई करना मुझे, आपको सैंपल दिखाया गया ऑलिव ऑयल का, गाइस अक्की सुनना बेटा ध्यान से, आपको सैंपल दिखाया गया ऑलिव ऑयल का, और जब सामान आपको डिलीवर हुआ तो ऑलिव ऑयल में एक और दूसरा ऑयल मिला के दे दिया आपको। सोचो, ऑलिव ऑयल का सैंपल, और जब डिस्क्राइब तुमने कहा था मुझे ऑलिव ऑयल ही चाहिए, मुझे ऑलिव ऑयल ही चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन, सैंपल भी क्या दिखाया, ऑलिव ऑयल का दिखाया, बट सामान दे दिया मिक्स करके, मिलावट करके। नाउ प्लीज टेल मी, वहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन तो तुम कहोगे, बट कौन सा प्रोविजन लिख के आओगे, ओनली सैंपल डिस्क्रिप्शन या सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, जवाब दो मुझे। वेरी गुड आदिया, वेरी वेरी गुड, अरे वेरी वेरी गुड, क्लियर है, जवाब दो। वहां पर तुम्हारे आंसर में ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन के साथ में कौन सा प्रोविजन लिखा जाएगा, दोनों वाला लिखा जाएगा, याद रहेगी बात। तो जहां पर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों दिया हो, उसके बावजूद भी सामान आपको प्रॉपर वो ना मिला हो, तो याद रखना, दैट विल बी केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया प्रताप, यस सर, दिविशा, आराध्या, डन है, देन ओके, द नेक्स्ट वन इज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगला प्रश्न डी, डी के ऊपर जो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकंड वाले पे, बी वाले पार्ट पे 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, डी वाले पार्ट में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले 6 नंबर का क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, 6 मार्क के अंदर इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है गाइस। कौन सा पार्ट है सुनना, नाम है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, और ये सिर्फ ना इसलिए मत पढ़ो कि बुक का एग्जांपल है भाई साहब, बुक में पॉइंट प्रोविजन दिए, ये रियल लाइफ में भी तुम्हें काम आते हैं, लो रियल लाइफ में भी वैसा ही है जैसा चलता है। खटाले वेलकम बेटा, गुड इवनिंग, वेलकम बेटा। तो सुनो 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 भाई लोगों, प्रोविजन का नाम है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस। सर ये क्या होता है, अब एक बात बताओ, अगर किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ, जवाब देना, पूछ रहा हूं, रिप्लाई कर रहा हूं, जवाब देना मुझे, अगर किसी सामान के ऊपर ही नहीं लिखा हुआ कि ये वाला प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है या नहीं है, जवाब दो मुझे। अगर नहीं लिख के दिया कि क्वालिटी अच्छी है या ये परफेक्ट रहेगा, तो क्या अंडरस्टूड नहीं है क्या, क्या ये जरूरी नहीं है क्या कि सामान अच्छा ही होना चाहिए, टेल मी, मैगी खाते हैं मैगी, हाँ जवाब दो मुझे अब। तो अगर किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिखा कि क्वालिटी वाइज ये परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा है, तो क्या वो कमोडिटी, क्या वो सामान क्वालिटी वाइज अच्छा होना जरूरी है या नहीं है। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रताप नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, यही सीखना है, यस, हो भी सकता वाला कंडीशन नहीं चलता लोग के अंदर, जरूरी है अदिति, यस वेरी गुड प्रताप, प्रताप याद रहेगा, जरूरी है बेटा, जरूरी है। अब मुझे एक बात बता, तूने अभी रिप्लाई कर, अब मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तो मार्केट में गए, तुमने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जैकेट परचेज की, तुम्हें एक जैकेट पसंद में आई, ठीक है,
अब ये तो बोलोगे सर लेट द बायर बी अवेयर, अब तुमने जैकेट को अच्छे से देख लिया, परख लिया, ठीक है, बट तुम्हें नहीं पता था कि जैकेट के अंदर जो फैब्रिक यूज हुआ, उसके अंदर वाली साइड में जिसे तुम चेक नहीं कर सकते, वो फैब्रिक जो यूज हुआ, उस फैब्रिक की वजह से स्किन डिजीज होती है, स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, लाल 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 स्किन हो जाती है, बीमारी हो जाती है। नाउ प्लीज टेल मी, जवाब देना मुझे, कल को अगर तुम जैकेट यूज करते हो और तुम्हें डिजीज हुआ, बीमारी हुई, स्किन रैशेज हुए और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और पता चला कि जैकेट के अंदर वो ऐसे आइटम यूज किए जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ, नाउ प्लीज टेल मी क्या बोला है? कोई बात नहीं, पता क्या बोलेगा? कोई बात नहीं कि जैकेट तो बहुत बढ़िया थी, अब से यही पहनूंगा डेली, हैं? बताओ बताओ बताओ। या इसे आप ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन का नाम दे सकते हो, टेल मी, बताओ बताओ। यस वेरी गुड आराध्या, यस रिया, बहुत बढ़िया कौशल, अब मिला नहीं आंसर, इसका मतलब क्या हुआ? याद रखना ये रियल है गाइस, ये वास्तविकता में होता है। किसी प्रोडक्ट पे अगर नहीं लिखा कि क्वालिटी और फिटनेस वाइज अच्छा होगा और अगर वो अच्छा ना निकले तो ये मत बोलना लिखा ही नहीं था, कोई बात नहीं, होना जरूरी है, होना जरूरी है एज पर लो। कोई भी सामान अगर बनता है तो उसकी क्वालिटी फिटनेस, ये नहीं कि सस्ता है तो खराब होगा, नो, आप सस्ता बनाओ महंगा बनाओ एज पर लो। लो कहता है भैया सेलर हो ना, आप सस्ता बनाओ महंगा बनाओ कुछ भी बनाओ, लेकिन सामान की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, वो क्वालिटी वाइज खराब नहीं होना चाहिए, उसे बायर को नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? मैगी वाला केस याद है ना, मैगी के 400 मिलियन पैकेट्स डिस्ट्रॉय करने पड़े थे मैगी को, 400 मिलियन पैकेट्स इंडिया के अंदर, ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि उसके अंदर लेड है, ये न्यूज आई थी और ये कंफर्मेशन हुआ था, याद आया? तो क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, खा लो कांच, हैं? नहीं सर, क्लैरिटी मिली क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसी को बोलते हैं बेटा, अगर कोई सामान क्वालिटी और फिटनेस वाइज ठीक ना निकले ना, और किसी भी क्वेश्चन से तुम्हें ये समझ में आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ रहा हो कि यहां तो क्वालिटी फिटनेस की वजह से बायर को नुकसान हो गया, कि बायर उस क्वालिटी फिटनेस को चेक नहीं कर सकता था, उसे डैमेज हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है, तो याद रखना दैट विल बी ए केस ऑफ क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। बोलो याद रहेगा ये बात? क्या ये बात याद रहेगी या भूल जाओगे? कह दो भूल जाओगे, नलायक मर्डर कर दूंगा तुम्हारा, बताओ याद रहेगी नहीं रहेगी? यस सर, हाँ भाऊ में अच्छे गुण नहीं तो हम क्या चुप बैठेंगे, नहीं उसको घर छोड़ाएंगे। एक और अपर लेवल एग्जांपल, क्वेश्चन नलायक, याद रहेगी सर, याद रहेगी, सब कह रहे याद रहेगी। हाँ तो याद रखना गाइज, हमेशा क्वालिटी फिटनेस वाइज अगर कोई सामान होता है गाइज और अगर वो प्रॉपर ना निकले, तो याद रखना दैट विल ऑलवेज बी केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन। यू कैन राइट एन एग्जांपल इन इट आल्सो, मेरे एग्जांपल एग्जांपल लिखो लिखो ए टी शर्ट लिखो एग्जांपल लिखो ए टी शर्ट विच क्रिएट्स स्किन डिजीज। एक टी शर्ट ली थी आपने जिसे क्या हुआ, स्किन डिजीज हो गया। तो याद रखना गाइज, ऐसा कोई भी आइटम जो आप खरीदते हो मार्केट से, कुछ भी खरीदते हो, अगर क्वालिटी फिटनेस वाइज खराब हुआ ना, तो आपके पास राइट है दैट यू कैन रिटर्न द गुड्स एंड यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। ये लीगल राइट है, अगर तुमने केस फाइल किया तो तुम्हें दो राइट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लॉ ने राइट दिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो ये क्वालिटी फिटनेस वाली कैटेगरी में जाएगा। आप बोल सकते हो ना भैया, सर एज पर द ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस वी आर हैविंग टू राइट्स, वन इज वी कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड गेट बैक द मनी, वी कैन ऑल्सो क्लेम फॉर द डैमेजेस। क्लियर हो गया? डन सर, आगे आता हूं। द नेक्स्ट इज, अगला है कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब भैया गुड्स की ओनरशिप, गुड्स की ओनरशिप। अब मुझे बताओ, तुम्हें सामान बेचा गया, तुम्हें कॉमोडिटी बेची गई, बट जिसने बेची उसके पास ओनरशिप नहीं थी। सुनने क्या बोल रहा हूं? जिसने तुम्हें सामान बेचा वो खुद चोर था। अक्सर सुना है ना आप लोगों ने, लोग फोन दिल्ली में चोर मार चोर बाजार चोर बाजार चोर बाजार, तो लोग सामान ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, आईफोन मिल जाए सस्ते के अंदर टिकाऊ। रिमेंबर, कैन यू प्लीज टेल मी, अगर जिस पर्सन के पास में टाइटल नहीं था, ओनरशिप नहीं थी, और उसने अगर आपको सामान बेच दिया, तो क्या आपके पास एक अच्छी ओनरशिप आएगी या तुम्हारे पास भी वही टाइटल आएगा जो सेलर के पास था? टेल मी, बताओ बताओ बताओ।
क्या तुम्हारे पास भी वही टाइटल आएगा या तुम कहोगे नहीं नहीं मैं तो गुड टाइटल रिसीव करूंगा? इज इट सो? नो, वेरी गुड, नहीं आएगा। तो चोर से खरीदा हुआ सामान अगला पर्सन भी चोर ही कहलाएगा, इसलिए बोलता बिल चेक कर लो, समझे? यस यस। क्वेश्चन ने रिप्लाई किया, सेलर इज नॉट हैविंग द टाइटल ऑफ गुड्स एंड टू अनदर पर्सन एंड सेल टू अनदर, इट विल बी ट्रीटेड अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। एग्जैक्टली कौशल, यस बेटा, अगेन यू आर हैविंग अ टू राइट्स। अगर तुम्हें कोई पर्सन ऐसा सामान बेच दे, यू आर हैविंग अ राइट टू रिटर्न द गुड्स एंड क्लेम फॉर डैमेज, इज ऑलवेज रिमेंबर दिस, नोबडी कैन डिनाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हुआ क्लियर? हाँ, ये मत बोलना कि हमें तो पता रहा चोरी का सामान है, फिर तुम फंसोगे, समझे? डन है? तो ए बी सी डी ई, ई तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ू? हाँ, आईपीसी भी लगेगा साथ में, वेरी गुड, यस, क्रिमिनल एक्टिविटी। नेक्स्ट पे आओ, द नेक्स्ट इज गाइज, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ना, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। सर ये क्या होता है, जान लो, पता होना चाहिए, पढ़ा भी होगा। मर्चेंटेबिलिटी दो वर्ड से बना है। मर्चेंटेबिलिटी मींस क्या होता है? मर्चेंट बोलते हैं भाई, एजेंट वाला पार्ट से याद है। एबिलिटी मतलब भैया एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? हम बात कर रहे हैं कमोडिटी के बारे में, गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मर्चेंटेबिलिटी का मीनिंग लिखते हैं, पहले लिखो, लिखो मर्चेंटेबिलिटी मतलब लिखो, फॉर विच, जिसके लिए, द प्रोडक्ट इज नॉन इन द मार्केट, नॉन इन द मार्केट, वो चीज, वो डिस्क्रिप्शन, वो क्वालिटी जिसके लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में जाना जाता है। दैट मींस मर्चेंटेबिलिटी का एक वर्ड और भी होता है, बोलते हैं मार्केटेबल। क्या बोलते हैं? मार्केटेबल, जो सामान जिसको आप लंबे समय तक जानते हो कि मेरा सामान इसी में काम आता है। तो बताओ, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, एग्जांपल दूंगा, पूरा आइडिया मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। एक बात बताओ, ए पेन विच कैन नॉट राइट, भाई पेन को तुम किस लिए जानते हो? क्या पेन दीवारों में ऐसे पेज कसने में काम आता है? रिमेम्बर, बताओ बताओ। एन ए सी, एक एयर कंडीशनर विच कैन नॉट प्रोवाइड कूलिंग, टेल मी, बताओ। एन इरेजर विच कैन नॉट इरेज, ए टीवी विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड, टेल मी। तो बताओ ना, तुम जिस सामान को मार्केट में जानते आए हो या जिस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में नोन है। एग्जाम्पल लिखूं? लिखो एग्जाम्पल, लिखो इसमें एग्जाम्पल नंबर वन, लिखो एन इरेजर विच कैन नॉट इरेज, वाओ बड़ा मस्त इरेजर है। एन इरेजर विच कैन नॉट इरेज, जो इरेज नहीं कर सकता। और लिखो ए टीवी, एक टेलीविजन विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड, ऑन का बटन ही नहीं है उसमें, कोई वायर नहीं, कोई ऑन का बटन नहीं, चलता नहीं, वो टीवी है, लेकिन ए टीवी विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड, विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड, जिसे ऑपरेट नहीं कर सकते। ए पेन विच कैन नॉट राइट, अब बताओ एक बात बताओ, विच कैन नॉट राइट, तुम्हें कोई ऐसा सामान बेच दे कि जिस सामान को आप, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी शॉप पे जाके ये पूछा है क्या, भैया मुझे मोबाइल फोन लेना है, इसमें इससे बात होती है क्या? पूछा क्वेश्चन कभी? अच्छा इसमें नंबर डायल करते ना फोन मिल जाता है इससे, भाई पूछा है तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन, न्यूज पेपर विच इज हैविंग नो न्यूज, नाइस, एग्जैक्टली, नहीं पूछते ना, बाहर निकालने का लगता है, बेइज्जती जगह लगता लोगों को। बट द क्वेश्चन इज गाइस, अगर ऐसा कोई सामान जिसको लोग जानते हैं उसकी क्वालिटी की वजह से, जिस जो कि मार्केटेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मार्केटेबल है, भाई साहब कि लोगों को अंडरस्टूड है कि वो सामान उसी चीज में काम आता है, और जवाब दो, अगर उसमें वही क्वालिटी ना हो, अगर उसमें वही क्वालिटी ना हो, तो जवाब दो, क्या तुम्हारे पास में वही दो राइट आएंगे नहीं आएंगे? That you are having right to repudiate or right to claim for damages. Very good. हाँ, milk carton which is having no milk. Very good, Divisha. Nice. बहुत बढ़िया बेटा. यही तो ज्ञान है, यही तो निकल के आता ज्ञान, यही तो मजा था पढ़ाने, तभी तो मजा अलग है पढ़ने का. Yes. बच्चों के पास ज्ञान की कमी नहीं है भाई साहब, बस ज्ञान थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता, खींचना पड़ता तुम लोगों से. Very good. समझ में आया? तो बताओ, breach of implied कंडीशन मीनिंग क्या लिखा होगा लो में? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन, कौन सा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. आंसर की स्टार्टिंग, फिर क्या लिखते हैं? अभी लिखना सिखाऊंगा आंसर बाद में, ठीक है? क्या होता आगे? सर दिस इज केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी.
ये आंसर हो गया. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन द बायर इज हैविंग टू राइट्स, वन इज राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस. समझ में आया? तो ये लाइन तो कॉमन है भाई साहब, क्या दिक्कत है लिखने की? समझ में आया? यस, समझ में आ गया. आते हैं लास्ट पे, आते हैं इंप्लाइड कंडीशन के लास्ट केस के ऊपर आते हैं. द वर्ड इज होलसमनेस गाइज, होल्स, ये सारे लीगल वर्ड है, मर्चेंटेबिलिटी, होलसमनेस. व्हाट इज होलसमनेस हियर? अगेन द वर्ड इज फॉर डिफेक्टिव आइटम्स. रिमेंबर, मतलब भैया लो कहता है, अब समझना ये खासकर, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर इटेबल आइटम्स. लिखता हूं एप्लीकेबल फॉर इटेबल आइटम्स, खासकर जो खाने पीने की चीजें होती हैं, तो उन कॉमोडिटीज के ऊपर ये होलसमनेस वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाता है. सर मतलब अभी डिवीजन एक लाइन लिखी थी सर, मिल्क विच इज हैविंग नो मिल्क, बट अगर मैं ये बोलूं बेटा एन इन्फेक्टेड मिल्क. अब एग्जाम्पल के लिए आप दूध लेके आ रहे हो मार्केट से, एग्जाम्पल सोचो, आप मार्केट से एक मिल्क का पैकेट लेके आए, एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट से एक मिल्क का पैकेट लेके आए, ठीक है. अब मिल्क पे आप क्या चेक कर लोगे? प्राइस देख लोगे, डेट देख लोगे, एक्सपायरी सब देख लोगे, कब बना हुआ, कितने दिन चलेगा, देख चेक कर सकते हो. बट अगर वो मिल्क अंदर से इन्फेक्टेड था, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड इन्फेक्टेड मिल्क, अगर मिल्क में इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ गए, जवाब दो क्या ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस होगा या नहीं होगा? खाने पीने के आइटम्स के अंदर अगर खाने पीने वाले आइटम क्वालिटी और फिटनेस वाइज ठीक ना निकले, तो वहां कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा गाइज? वेरी वेरी गुड प्रताप, आराध्या, दिविशा, यश बेटा, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया. तो विच प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल और इन दैट केस द आंसर विल बी ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस. वेरी गुड. अरे वाह, कितना मस्त एग्जाम्पल दिया. मिल्क मेड विद डिटर्जेंट है ना, डिटर्जेंट यूज करके मिल्क बना दिया, होता है ना, दिवाली के टाइम पे भी आता है भैया, मावा मिलता है ऐसे वाला, मिक्स वाला. वेरी गुड. तो जवाब दो क्या तुम्हारे पास ये दो राइट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर मिल्क पी गए तो पहला राइट खत्म हो गया, बट सेकंड राइट विल ऑलवेज बी अवेलेबल. बेटा बीमार हुए, डॉक्टर की सर कौन सा पैसा लेंगे हम, बीमार हो गए, डॉक्टर का खर्चा लग गया, फीस दे के आए, कौन सा पैसा? दैट अमाउंट यू कैन क्लेम बाय फाइलिंग ए केस. आप केस फाइल करके पैसा ले पाओगे. बोलो क्लियर हुआ? एंड दीज आर द कंडीशंस ऑफ केसेस ऑफ इंप्लाइड कंडीशन. कोई डाउट है पूछ सकते हो सर मुझसे, फिर मैं आऊंगा इंप्लाइड वारंटी वाले पार्ट के ऊपर, तब जाके खत्म हो गए पार्ट. बोलो बोलो बोलो, क्या ये पार्ट क्लियर है? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया. कौन सा वाला क्लियर? स्प्राइट क्लियर, अच्छे बढ़िया वाला क्लियर. यस आराध्य, प्रताप, दिविशा, अदिति, कहां गए कौशल नलायक? हाँ यस, क्लियर क्लियर क्लियर, चले स्प्राइट वाला क्लियर. चलो ओके, नेक्स्ट पे आते गाइस, हेडिंग बनाओ नेक्स्ट पार्ट की, क्योंकि हमने दो पार्ट सीखे थे, केसेस ऑफ इंपैक्ट कंडीशन, दूसरा केसेस ऑफ इंपैक्ट वारंटी. और डैम श्योर लिख लो, दीवारों पर लिख दो पास की, भैया एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, आता है, हमेशा आता है, लिख लो, नोट करो. तो नोट बनाओ, इस पे लिखो केसेस ऑफ इंप्लाइड वारंटी, केसेस ऑफ इंप्लाइड वारंटी. सर वारंटी भी इंप्लाइड होती है? हाँ, तो पढ़ा नहीं था? विच आर प्रिज्यूम बाय द लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. यस सर, एक बात बताओ, कंडीशन के ब्रीच होने पर तो तुम्हें दो राइट मिले थे, कल वाली क्लास याद है? याद है, तो पूछता हूं, अगर वारंटी टूटी, अगर वारंटी ब्रीच हुई, मीनिंग बताओ भाई, मीनिंग क्या था बताओ, वारंटी का मीनिंग क्या सीख क्या है? सर द कोलेटरल रिक्वायरमेंट विच इज असेंशियल टू द विच इज टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज में कोलेटरल पार्ट को अगर पूरा ना किया जाए, दैट इज कॉल्ड वारंटी. तो बताओ बेटे वारंटी के टूटने पर क्या मिलेगा, कौन सा ब्रीच, कौन सा डैमेज मिलता है? क्या सामान वापस कर पाओगे, ओनली डैमेज ले पाओगे? कौशल यहीं पे, डोंट वरी सर, होल लाइफ आपके साथ ही रहूंगा. वेरी गुड कौशल, शाबाश बेटा, नाइस, वेरी गुड. अगर वारंटी ब्रीच हुई तो बेटे मिलता है क्या? मतलब इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी, अगर ब्रीच हुआ तो यहां पर दो नहीं, यहां मिलता है सिर्फ एक सिंगल राइट. याद रखना, वारंटी अगर आपकी कोलेटरल रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, अब एग्जांपल के लिए जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं सामान लेके आया था, एग्जांपल लिसन टू मी,
दिस वॉटर बॉटल, सुनना ध्यान से बात को, ये पानी की बोतल, इस पर लिखा हो, पर एग्जांपल के लिए भाई इसमें पानी कितना गर्म है, एग्जांपल के लिए। अब ये पानी को गर्म रखती है, एग्जांपल गर्म डालोगे गर्म, ठंडा ठंडा, ठीक है। ये तो थी रिक्वायरमेंट कि भैया पानी कैसा रखती है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरी कलेक्टर रिक्वायरमेंट थी, कहा लिखा हुआ है ये 12 घंटे तक पानी गर्म रखेगी। अब 12 नहीं रखे, 10 रखती है, बताओ तो कौन सी, क्या क्या हुआ, कंडीशन ब्रीच हुई या वारंटी ब्रीच हुई, जवाब दो, क्या ब्रीच होगा ऐसे केस में। लॉ सीखने के बाद तो हर जगह केस ढूंढोगे, अच्छा ये भी केस बनता है, ये भी केस बनता है, ये भी केस बनता है, क्योंकि सेलर तो गलतियां करेगा बेटा, सेलर तो गलतियां करेगा। वेरी गुड, वारंटी। तो वारंटी के ब्रीच होने पे क्या मिलता है, विच राइट द बायर विल हैव, आंसर इज द राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। डैमेज क्लेम करने का राइट बायर के पास में होता है, ना कि सामान को रिजेक्ट करने का। हम लिख चुके थे इस बात को, तो इसका मतलब जितने भी केस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे वो केसेस हैं गाइस, जहां पर क्या मिलेगा, जहां पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डैमेज लेने का राइट, ना कि गुड्स को रिटर्न करने का राइट। बोलो क्लियर हो गया, चलो तो लिखते हैं। नंबर वन लिखो, कौन से केसेस इसके पढ़ने वाले हैं, आओ नंबर वन लिखो, ए पार्ट फर्स्ट इज लिखो डिस्क्लोजर, नोट करो डिस्क्लोजर एज टू डेंजरस नेचर ऑफ द कमोडिटी, डेंजरस नेचर ऑफ द कमोडिटी। एक बात बताओ, क्या सेलर की ये ड्यूटी नहीं है क्या, कि अगर कोई सामान नुकसान पहुंचा सकता है, होते ना वे सामान, अगर कोई प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, तो क्या ये ड्यूटी सेलर की नहीं है क्या, सेलर मतलब याद रखना मैन्युफैक्चरर, क्या ये ड्यूटी सेलर की नहीं है क्या कि वो आपको बायर को वार्निंग दे। याद रखो मैक्सिमम तो तुम मेडिसिन वगैरह लेके आते हो, रिमेंबर केमिकल आइटम्स लेके आते हो, ऑल आउट लेके आते हो, घर में आता ना मोर्टीन ऑल आउट, उसे वार्निंग लिखी होती है, लिखी होती है ना, मेडिसिन पे भी लिखी होती है, वार्निंग लिखी होती है। तो क्या डिस्क्लोजर देना जरूरी है, नहीं बताना जरूरी है, नहीं है कि भैया अगर किसी प्रोडक्ट के कोई डेंजरस नेचर है तो देनी पड़ती है, और होती भी है, होती भी तो है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। अब मान लो इसमें लिखा हुआ है, अब क्या मैं इसमें डाल दूं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर डाल दूं इसके अंदर, नहीं भैया लिखा हुआ है इसकी कि कितना पानी गर्म रख पाएगा, इतना डालना है इसके अंदर, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस सुनना ध्यान से, इस पे क्या लिखा हुआ था, इस बोतल में लिखा हुआ था कि इसको पानी फिल करने के बाद फ्रिज में मत डाल देना, रिमेंबर इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं डालने का, तो मतलब क्या थी, वार्निंग थी, और रखा तो क्या बोलोगे, कोई बात नहीं हो जाएगी खराब। अब सुनो, तो डिस्क्लोजर एज टू डेंजरस नेचर जो कॉमोडिटी, क्या है नीचे लिखो, इसके बारे में लिखते हैं, लिखो इट द ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी है किसकी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द, लिखो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, सर गाना गा रहे हो बेसुरी आवाज में, गाना गा के लिखो, द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू वॉर्न, वॉर्न मतलब वार्निंग देना, द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू वॉर्न द बायर, बायर को वार्निंग दे अबाउट द डेंजरस नेचर ऑफ द कमोडिटी, द डेंजरस नेचर ऑफ द कमोडिटी, सामान के डेंजरस नेचर के बारे में बायर को वार्निंग देना ड्यूटी है बेटा सेलर की, ध्यान रखना। और बताओ अगर मान लो किसी कमोडिटी का कोई डेंजरस नेचर था और सेलर ने नहीं दिया वार्निंग, बताओ बताओ बताओ, रिप्लाई करना, अगर उस केस में सेलर ने नहीं दिया वार्निंग तो गलती किसकी, बायर की है सेलर की, जवाब दो, गलती किसकी, क्या बोलोगे, नहीं गलती तो हमारी है, उसने नहीं बताया तो क्या हमें पता होना चाहिए था, ऐसा होता है क्या। वेरी गुड, सेलर की रोशनी कह रहा है बेटी में ऐसा नहीं हो सकता ना, दैट मिल्क डेरी है, नो मिल्क टाइम, नो बेटा रोशनी वो नहीं आएगा उसके अंदर, वो पार्ट नहीं है ना बेटा, वो तो तुमने खरीदा ही नहीं, जब तक तुम बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे तो कैसे काम आएगा ना रोशनी, ठीक है। सबने रिप्लाई किया सेलर की सेलर की सेलर की सेलर की, अग्री करते हो तो जवाब दो, अगर कोई सामान जिसका कोई डेंजरस नेचर था और आप बायर ने वो ओपन किया और ओपन गलती से गलत हो गया और उसको सामान को या तुम्हें बायर को नुकसान पहुंच गया, तो क्या बायर इसे क्या बोलोगे, क्या ट्रीट करोगे, क्या ये ब्रीच ऑफ वारंटी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, या कंडीशन बोलोगे, क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है वारंटी है, बताओ क्या आंसर आएगा।
इज इट ब्रीच ऑफ वारंटी और कंडीशन? वेरी गुड, कौन सा? यस यस बेटा, वो लास्ट एग्जाम्पल आएगा, इसमें नहीं आएगा। यस, ब्रीच ऑफ वारंटी। और जब ब्रीच ऑफ वारंटी होगा तो ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी के टूटने पर क्या मिलता है बताओ? चीज मिलती है, डैमेज मिलता है। वारंटी के ब्रीच होने पर क्या मिलेगा? क्या तुम सामान वापस कर पाओगे या ओनली डैमेज क्लेम कर पाओगे? गुड्स तुम लेके आए थे भैया। वेरी गुड, वी कैन ओनली क्लेम क्या? द बायर मतलब द अग्रीड पार्टी बोल सकते हो। कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो बेटा, इसके अलावा सामान वापस करने का राइट नहीं होता, याद रखना इस बात को। कहीं बोलो नहीं हम तो सामान भी दे पाएंगे, नहीं दे पाओगे, लीगली अलाउड ही नहीं है वो चीज। समझ में आया? डन है? बोलो 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 बोलो। चले नेक्स्ट पे आते हैं। नोट इट, क्या ये नोट हो गया? चले आओ खत्म करेंगे इसको पूरे पार्ट को। चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर बी लिखो, बी हेडिंग बनाओ, लिखो वारंटी एज टू, ये सारे केस कौन से हैं? इंप्लाइड के। लिखो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। सर ये क्या है भैया? अनडिस्टर्ब पोजीशन। एक बात बताओ, पोजीशन का मीनिंग क्या सीख के आए हो? सिखाया था परसों, बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? टाइटल तुम्हें याद होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? क्रिक फ्रिक से सर, मैथ्स और लोग कब तक सिलेबस हो जाएगा? बेटा चल रहा है अभी, अराउंड मान के चल, क्या चल रहा है अभी? फरवरी, रिमेम्बर, मार्च, अप्रैल। यस, ये मतलब बेसिकली हम बैच जो ले रहे हैं जून पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं अभी, ठीक है? और बेसिकली जो बच्चे हैं तो उनके पॉइंट से एग्जाम पहले खत्म हो जाएगा, अप्रैल, मिड अप्रैल से पहले खत्म कर लेंगे, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। सर कब से आप लाइव आते हैं? प्रताप बेटा जो सीए फाउंडेशन वाला बैच है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था भीष्म बैच, वो इवनिंग में चालू होता है, क्योंकि कल ही हमने टाइम चेंज किया था, तो 4:30 to 5:30, ठीक है, और 5:45 to 6:45, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सीए फाउंडेशन बैच। एंड जो सीएमए फाउंडेशन के बच्चे हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सोगा चल रहा है, वो बैच चालू होता है 12 बजे डेली बेसिस के ऊपर, 12 o'clock राइट चालू हो जाए, 12 to 1 और 1:30 to 2:30 चालू होता है बैच, वो दो क्लास चल रही डेली डेली स्पेसिफिक फॉर मैथ्स एंड लॉ। नाइस, हेलो संकेत, संकेत लेट आना लाइक। अब सुनो ध्यान से, तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, गाइस सुनना सुनना सुनना, क्या होता है भाई साहब, क्या मतलब हुआ इसका? सुनो जनरली एक बात बताओ, अगर किसी सेलर ने, सुनना रिप्लाई करना, अगर, अच्छा तुमसे बात पूछता हूं, रिप्लाई करना, एक तुम ना गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी 10 10 10 10 10, सुनना ठीक है, तुम गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी तुम लेके आए थे ईएमआई के ऊपर, लोन पे लेके आए थे, फाइनेंस करवाई थी गाड़ी तुमने। अब सुनना बात, गाड़ी फाइनेंस करके लेके आए थे, गाड़ी वाले ने बोला था भैया आपको हर महीने सिर्फ ईएमआई पे करनी है, जब सारी ईएमआई पे हो जाएंगी तो हम आपको गाड़ी आपके नाम कर देंगे, ठीक है? अब जवाब दो, जिसने आपको सामान बेचा उसने आपको एक टाइम पीरियड दिया, अगर किसी सेलर ने बायर को एक टाइम पीरियड दिया कि 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिया कि 3 महीने बाद, गाड़ी वाला केस ले लो, कोई और केस ले लो, एग्जांपल समझो, लेकिन अगर सेलर ने बायर को एक क्रेडिट का टाइम पीरियड दे दिया कि 3 महीने तक तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा या 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो जवाब दो क्या उस 3 महीने के दौरान वो आपकी गुड्स की पोजीशन को, दैट मींस कंट्रोल को अफेक्ट कर सकता है? यस और नो बताओ, क्या वो 3 महीने से पहले आके बोलेगा ला भैया सामान वापस दे, तुम पैसे नहीं दिए? टेल मी, बोलो बोलो बोलो, कौशल कर ले बेटा, दोनों कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, लो तो कर सकता। सर आईसी सर आप इस बैच में कराएंगे या सीमे वाले में देखने? अंश बेटा दो, अभी तक इसमें चल रहा है सोगा, उसमें भी कराऊंगा, इसमें भी कराऊंगा, डोंट वरी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसमें सोगा चल रहा है, दोनों एक्ट सिमिलर एक्ट में कोई फर्क है नहीं, बस फर्क इतना है सीएमए फाउंडेशन स्पेसिफिकली, बेटा सीएमए फाउंडेशन के बैच में स्पेसिफिकली हम सीएमए फाउंडेशन के पॉइंट से ही पढ़ाएंगे, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा वहां पे, ठीक है? एग्जाम जैसे आएगा उनका, सीए वाले में आपके पास में आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो यहां पर मैं लो सब्जेक्टिव पॉइंट से पढ़ाने वाला हूं, ये डिफरेंस आएगा बस, ठीक है? यस,
बोलो बोलो बोलो, रिप्लाई करो। जब एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया, एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया इसलिए स्पेशली, ये बैच एक्सक्लूसिव है गाइस। बीच बैच इज एक्सक्लूसिव फॉर सीए फाउंडेशन, धनुष बैच इज एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए फाउंडेशन। हाँ, मिलावट नहीं करते बेटे ना, कोई मिलावट नहीं है। तुम जवाब दो बात का, मुझे जवाब दो, मुझे बताइए, क्या कोई सेलर सामान बेचने के बाद और टाइम पीरियड देने के बाद कि भैया 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी टाइम उसने दिया, क्या उस टाइम के दौरान वो बायर की गुड्स की पोजीशन डिस्टर्ब कर सकता है, यस और नो? नो 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 नो, नहीं कर सकता। सबने रिप्लाई किया नो 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 नो, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? और अगर किया तो बताओ, अगर अगर सेलर ने बायर की पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया, कोई पर्सन तुम्हें उधार में सामान देके और टाइम से पहले मांगने पहुंच जाए तो निकालो सामान, पैसा दो मेरा, तो क्या बोलोगे कि तुम उसने तुम्हारी क्या की, उसने तुम्हारी पोजीशन डिस्टर्ब कर दी, तो क्या तुम्हारे पास ये राइट है? बोलो, क्या क्या राइट है तुम्हारे पास में? अगर सेलर ने पोजीशन डिस्टर्ब किया तो क्या बायर उस पे केस फाइल कर पाएगा और नुकसान ले पाएगा? जितना पैसा उसने लगा दिया, बायर का लग गया, जो पैसा वो रिसीव कर चुका वो वाला पार्ट, वेरी वेरी गुड, ले पाएगा। नाइस नाइस, वेरी गुड। तो बायर के पास ये राइट है, बायर के पास ये राइट है कि अगर सेलर ने बायर की पोजीशन को डिस्टर्ब किया गुड्स के ऊपर, तो बायर सेलर पे केस फाइल करके अपना डैमेज क्लेम कर सकता है। सो डैमेज क्या बनेगा गाइस? डैमेज का मतलब जो आपने कोई पैसा पहले एडवांस दे रखा था, आपने जो एडिशनल खर्चा उस सामान पे किया था, जितना अभी तक तुम्हारा खर्चा लग गया, तो वो पूरा क्लेम कर सकते हो सेलर से, याद रखना, अगर उसने तुम्हें छेड़ा तो। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ, कौशल एक ही ज्वाइन करना बेटा, सीएमए सी फाउंडेशन एक्सक्लूसिव चल रही है। यस, तो ना पॉइंट क्या बनेगा सर? लिखो, द बायर कैन क्लेम द अमाउंट, लिखो, नोट करो, द बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। अगर ऐसा हुआ तो बायर अपना पूरा डैमेज क्लेम कर पाएगा, पूरा मतलब जितना नुकसान उसका हो चुका, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी, कम पैसा लेगा। डैमेज का मतलब क्या सीखा था? मॉनेटरी कंपनसेशन, जितना पैसा बनता है, जितना पैसा लग चुका अपन को, सब मांगता है, ठीक है? डन हुआ, क्लियर है? बोलो बोलो, जोश बोलो। और तुम लोग लड़ाई को वीडियो शेयर नहीं करते क्या यहाँ पे बच्चों के पास, बाकी बच्चों के ग्रुप पास? बताओ, तुम्हें एक काम दिया, एक काम, छोटा सा काम दिया, तुम वो नहीं कर पा रहे, बताओ? तुम्हें तो अभी तक आग लगा देनी चाहिए थी, बताओ? फैला दो बेटा वीडियो को, जहां पे क्लासेस को फैला दो, बच्चों बच्चों तक पहुंचा दो, गली मोहल्ले में बच्चे बोले नाम पे होना चाहिए, अरे भीष्म सीए फाउंडेशन, धनुष बैस सीएमए फाउंडेशन, इतना तो कर दो ना लाइक को। चलो आओ ना, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब सर्विस दे रहे हैं बच्चों को, तो बेटा फ्री की सर्विस में तुम तो फैलाओ तो सही, कम से कम हमें भी मजा आ जाए, बच्चा बना बैठा है मजा आए तो। अब तुम जैसे इतने प्यारी प्यारी और बच्चे आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ आओ आगे बढ़ते हैं। यस करते हैं सर, यश कह रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू यश। यश कितना प्यारा बच्चा, कुली कुची 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 कु। आओ नेक्स्ट इज, लिखो, नेक्स्ट इज वॉरंटी एज टू, ये क्या था? अन डिस्टर्ब पोजीशन, नीचे लिखो वॉरंटी एज टू, लिखो फ्री फ्रॉम, ये वर्ड लिखना, बड़ा प्यारा वर्ड है फ्री फ्रॉम, वर्ड है एनकमब्रेंसेस। क्या बोला क्या बोला? एनकमब्रेंसेस, वॉरंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकमब्रेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकमब्रेंसेस गाइस? लिख लो, एनकमब्रेंस का मतलब होता है ए चार्ज अगेंस्ट एन असेट, ए चार्ज अगेंस्ट द गुड्स, ए चार्ज अगेंस्ट द गुड्स। एनकमब्रेंस का मतलब है चार्ज अगेंस्ट द गुड्स। चार्ज का मतलब क्या हुआ? क्या चार्जर वाले चार्ज की बात कर रहे हैं? नो, चार्ज का मतलब है बेटा कोई पैसा बकाया है, अगर किसी कॉमोडिटी के अगेंस्ट में कोई पैसा बकाया है। कौशल कह रहा करता हूं सर, हाँ कोई जन नहीं है लड़का हमारे बैच में, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम बस शेयर कर दिया करो, इतना चाहिए तुमसे खाली। ए चार्ज अगेंस्ट द गुड्स, जिसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहने दो उसको। सुनो, ए चार्ज अगेंस्ट द गुड्स मतलब क्या हुआ इसका? गाइस सिंपल सी बात याद रखना, अगर किसी कॉमोडिटी पे कोई पहले से पैसा पेंडिंग चल रहा है, चार्ज मतलब कोई लोन चल रहा है, रिमेंबर एग्जांपल, कोई पैसा बकाया है, तो बताओ क्या तुम ऐसे सामान को, कोई पर्सन कोई ऐसा सामान किसी बायर को बेच दे? रिप्लाई करना, तुम्हारे पास में तुम्हारी कार है और उस कार पे एक लोन चल रहा है,
और तुमने किसी दूसरे बायर को वो गाड़ी बेच दिए बिना बताए कि उसके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है, रिमेम्बर, और तुमने वो लोन पे हो नहीं रहा और अगले बंदे जो कंपनी वाले थे वो गाड़ी उठा के ले गए उसकी। जवाब दो मुझे, क्या वो पर्सन तुमसे अपना क्लेम कर पाएगा, डैमेज ले पाएगा, क्योंकि तुम थे उस केस में सेलर यहां पर। तो क्या कोई जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है उस सामान को बेच देना बिना बताए, बिना डिस्क्लोज किए, जवाब दो, क्या उस केस में बायर के पास ये राइट है कि वो डैमेज क्लेम कर पाए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया कौशल, शाबाश यश प्रताप, बहुत बढ़िया। जब अरे बाकी भी तो रिप्लाई करो, यस अदिति बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे रिप्लाई करते हैं, जो रिप्लाई करता है वो सबसे समझदार बच्चा होता है ना, प्यारा बच्चा होता है, यस तभी तो मजा आता है। तो वर्ड क्या गाइस, सुनना एग्जैक्टली गाइस, तो लोग कहता है भैया सिंपल सी बात, अगर आपकी कमोडिटी पर, आपके गुड्स पर किसी तरह कोई चार्ज पेंडिंग था, कोई अमाउंट पेंडिंग चल रही है और आपने अगर बेच दी और बाद में बेचारे बायर को नुकसान हुआ जिसने आपसे खरीदा था, तो बेटा वो आप पर केस फाइल कर सकता है एज टू ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ इंप्लाइड वारंटी एज टू कौन सा, फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। और उसको क्या मिलेगा, सर हम नलायक से हैं, कब प्यारे हो बेटा, नलायक प्यारों का वर्ड नलायक ही हो, तुम नलायक ही हो, हाँ नलायक ही हो, तुम्हें मिली हुई पहले से, टेंशन मत लो। तो लिखो क्या बोला, वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, मतलब लिखो इसका मतलब क्या होता है, क्या होगा मतलब, द बायर क्या कर पाएगा, द बायर कैन क्लेम फॉर क्या कर पाएगा, डैमेजेस, और डैमेज वर्ड छोटा नहीं है, जितना भी नुकसान हुआ सब ले पाएगा बायर, ध्यान रखना। तो ये बन गया तीन प्रोविजन, अब बचा है लास्ट, और लास्ट के बाद खत्म ये पार्ट, खत्म। कल करेंगे कैविट टेम्प्टर, नया पार्ट सीखेंगे, अनपेड सेलर, मस्त वाला पार्ट सीखेंगे, चले आओ पढ़ते हैं लास्ट, चले आ जाओ, द नेक्स्ट द लास्ट वन इज, उसके बाद पूरा पार्ट खत्म ही टॉपिक। तो ए बी सी डी, डी में क्या आया, डी इज इंपॉर्टेंट गाइस, क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट, सारे काम बताए इंपॉर्टेंट मैंने, कुछ पे लिखवाया इंपॉर्टेंट, सब पे नोट लिखवाया इंपॉर्टेंट मैंने, बट डी ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली ना ये सेम प्रोविजन इंप्लाइड कंडीशन में भी आता है, लेकिन बच्चों का तो सेम ही तो है, सेम नहीं है, यही तो क्वालिटी है लोग की, कि आपको एक प्रोविजन दिया वो सेम प्रोविजन कंडीशन में भी है, वो सेम प्रोविजन वारंटी में भी है, बट दोनों में डिफरेंस दे दिया, वो डिफरेंस समझना जरूरी है वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत, समझ रहे हो, आओ पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड आता, सुनना ध्यान से, लिखो वारंटी, लास्ट है सुना, और एग्जांपल दूंगा रियल वाला इसके ऊपर, वारंटी एज टू, वारंटी एज टू, लिखो क्वालिटी और फिटनेस, अरे तो वही वाला है, हाँ वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, आगे लिखो बाय यूसेज, अभी खत्म नहीं हुआ, आवाज में वर्ड आ गया, वहां पर इतना ही लिखा था, यहां पर आगे लिखो बाय यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, बाय यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, सर इसका मतलब क्या, मतलब तो बताऊंगा मैं, लिख तो लो, यस इसके नीचे लिखो, लिखो इट द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, द ड्यूटी ऑफ द सेलर, इस सेलर की ड्यूटी होती है किस लिए, लिखो टू डिस्क्लोज, कि वो बताए, टू डिस्क्लोज एनी चेंज, कि अगर कोई भी चेंज उसने सामान में किया है, इन द गुड्स, सॉरी क्या एग्जांपल दे रहे हो बेटा, सीरियसली सुनना ध्यान, सच्चाई वाला, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, अब मुझे एक बात बताओ, एक टैबलेट का नाम है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल सुने, पीसीएम बोलते हैं शॉर्ट में उसको, पीसीएम किस लिए जानी जाती है, पीसीएम किस लिए जानी जाती है, एक मेडिसिन कॉम्बी फ्लेम, कॉम्बी फ्लेम किस लिए नोन है, अब एक नाम किसी ने डोलो है ना, और भी टैबलेट्स, मेडर्मा, ये टैबलेट्स के नाम है, ये ट्यूब है मेडर्मा, गाइस मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिन्हें आज से नहीं बचपन से आप सुनते आ रहे हो, कि बुखार हो गया पीसीएम खा ले, बुखार हो गया, दर्द हो रहा है पीसीएम खा ले, डीकोल टोटल फाइव एक्शन याद आया, डीकोल टोटल फाइव एक्शन याद आया, डीकोल टोटल फाइव एक्शन, एक बात बताओ, एक कॉमन सी बात समझाता हूं सुनना ध्यान से, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले और इस पॉइंट को तुम्हारे बारे में बैठ जाए चीजें, समझना ध्यान से, ठीक है, हाँ पीसीएम तो ऑलराउंडर, ये देखो यही तो दिक्कत है, सुनो ध्यान से, इसलिए समझा रहा हूं टॉपिक, समझो ये वाला पार्ट कब अप्लीकेबल होगा, सुनो
मेडिसिन्स को उनके सोल्ट की वजह से जाना जाता है, सोल्ट। कि अगर मान लो लिखा है डीकोल टोटल 5 एक्शन, तो मतलब 5 तरह के डिफरेंट सोल्ट उस टैबलेट में है। तो किसी को अगर हेडेक सिर्फ सर दर्द है तो भैया वो बदन दर्द की दवाई क्यों खाएगा, समझ रहे हो, वो जुकाम की सोल्ट क्यों खाएगा। यही कुछ चेंजेस कुछ टाइम पहले हुए थे, आज से कुछ साल पहले, 5 to 6 ईयर हो चुकी बात को, कुछ चेंजेस किए गए थे कि अब से अगर आप कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। और बहुत सारी टैबलेट, बहुत सारी मेडिसिन में चेंजेस हो चुके हैं, चेंजेस हो चुके हैं। अब एक बात सुना जो बोलने वाला, बड़ी काम की बात बोल रहा हूं। अगर मुझे बताओ किसी सामान को, किसी कमोडिटी को आप लोग बायर के रूप में बहुत टाइम से जानते हो, यूसेज और कस्टम से, कि भैया कस्टम चलता आ रहा है कि ये वाली मेडिसिन इसी काम में आएगी, ये वाला सामान इसी चीज में यूज होता है, और जवाब दो अगर सेलर ने उसका वो यूज बदल दिया या उसमें कोई भी चेंज कर दिया, कि जिस चीज के लिए वो टैबलेट आती थी, सामान आता था, वो चीज के लिए रहे ही नहीं, उसमें चेंजेस कर दिए गए, तो जवाब दो क्या सेलर को उसके बारे में डिस्क्लोजर देना जरूरी है या नहीं है, कि भैया किस सामान को किस लिए यूज करना है, टेल मी। हाँ बेटा, पीसीएम इज स्पेसिफिकली फॉर, नॉट फॉर फीवर, समझा ध्यान से, चेंज कर दिया गया, नाउ पीसीएम इज ए पेन किलर, समझ रहे हो आप। सब दवाइयां नहीं बताऊंगा मैं, कौन कौन दवाइयां, डॉक्टर थोड़ी हूं मैं यहां पे, एग्जांपल दे रहा हूं ना, लाइक हां भावनाओं में बजाते हो, बताओ तो पीसीएम इज ए पेन किलर, समझ रहे हो, पहले से पेन किलर का भी था, फीवर का भी था, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। यस, तो जवाब दीजिए क्या सेलर को डिस्क्लोजर देना जरूरी है या नहीं है, अगर वो सामान को, उस कमोडिटी को जिसे लोग जानते आ रहे हैं पुराने टाइम से, ओल्ड टाइम से, और आप उसमें चेंजमेंट कर दिया, तो बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और अगर नहीं बताया तो सोचो, नहीं बताया और नहीं बताने की वजह से बायर ने कंज्यूम कर लिया पुराना सोच के, और उसे नुकसान हो गया, वो और बीमार पड़ गया और उसके डॉक्टर के खर्चे लग गए, तो बताओ बेटा जवाब दो, उस केस में क्या बायर के पास ये राइट है कि वो उस सेलर से, उस कंपनी के ओनर से, उस कंपनी के मैन्युफैक्चर, उस मैन्युफैक्चरर से डैमेज क्लेम कर पाए, अगर नहीं बताया तो, और नुकसान हो गया तो। हाँ सर, लोग के तो डॉक्टर हो ही, हमारे मन से लोग के डॉक्टर, हाँ हाँ, लोग की तो, लोग की सारी बीमारियां दूर करूं, उसकी टेंशन नहीं अपन को भैया, हाँ अपन ओवर डॉक्टर भी है, सर्जन अपन तो, हाँ वीर प्रताप, यस डैमेज कर पाएगा, दिविशा, अदिति, कौशल, बहुत बढ़िया बेटा, अंश करेक्ट है, रिया वेरी गुड बेटा, शाबाश, क्या मिल पाएगा, डैमेज क्लेम करने का राइट है। अगर आपको नुकसान हुआ ना और डिस्क्लोजर नहीं था उस चीज को लेके, आप डायरेक्टली कंपनी पे केस फाइल कर दो, यू विल गेट दी डैमेजेस, आपको पैसा मिलेगा नुकसान का, है ना, डॉक्टर की पूरी फीस कंपनी पे करेगी, तुम नहीं पे करोगे फिर, समझ में आया बेटे, दिस इज अ पार्ट। और यहां पर खत्म होता है हमारा इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी के केसेस। तो मिलते हैं कल, कल हम स्टार्ट करेंगे अपने डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, जागो ग्राहक जागो, कल वहां से पढ़ेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे अनपेड सेलर वाला पार्ट भी चालू करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गाना गाओ, वीडियो को शेयर करो और जाओ। गाना कौन सा गाना भैया, गाना नहीं है हमारा, बाय बाय है क्लास का, कौन सा, बाय बाय और टाटा सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। वीर बेटा आज मैथ वाली क्लास जो थी वो 4:30 पे चालू हो गई थी, तो वही टाइम रखते हैं हम इसका, हम ठीक है, उसके बाद में इस टाइम पे अपना लो वाला पार्ट चलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ सीए सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम सीएसई एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनल। मैंने यूट्यूब पर पहली बार तो सर के क्लास देखी, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंप्लेंट्स। थैंक्स टू सीओसी, माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।